राजधानी दिल्ली के आशा किरण होम में महज एक महीने के अंदर 13 बच्चों की मौत हो गई। आशा किरण में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है और इस घटना ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने पड़े। और जैसे ही मामला सामने आया, राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय हो गया। दूसरी ओर हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। आप सरकार पर बीजेपी के हमले काफी तेज हो गए हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं। एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है। जिन लोगों के कारण ये मौतें हुई है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम को बच्चों का डेथ चैम्बर कहा जाने लगा है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाए गए इस घर में महज एक महीने के अंदर 13 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की देखरेख में कमी, पीने के पानी की खराब व्यवस्था और बद इंतजामी को इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। राजधानी में जैसे ही इसकी खबर फैली, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आशा किरण का दौरा कर कई गड़बड़ियों को उजागर किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी यहां बद इंतजामी की बात कही। जिसमें आप पढ़ेंगे मटर पनीर और दाल और ये वो, और ये इनका टीबी पेशेंट्स के लिए खाना है। आप देख सकते हो ये पूरा खाना है। डॉक्टर ने जिनको रिकमेंड किया है अंडा और दूध, उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको। लिखा गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ आते नहीं है। उनको लिखा गया है, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था और बाद में ये डेथ्स हुई है उसकी। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मामले के तूल पकड़ते ही आप सरकार हरकत में आई। आनंद फानंद में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। वहीं बीजेपी ने इन मौतों के लिए आप सरकार की बद इंतजामी और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराकर निशाना साधा। अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। बच्चों का मौत के मुंह में जाना, पानी, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का? एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली इन दिनों कई चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ बेसमेंट में छात्रों की मौत की घटना को चंद दिन ही बीते थे कि अब आशा किरण होम में 13 बच्चों की मौत ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। आप सरकार के लिए ये घटना नई चुनौती लेकर आई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी आप अब दिल्ली में ही घिरती दिख रही है। आप सरकार दिल्ली में सिर उठा रही नई चुनौतियों से कैसे पार पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजनीति अपनी जगह, सबसे गंभीर बात यह कि आखिर वहां हो क्या रहा है, उसका एक्चुअल कारण क्या है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। बिना लाग लपेट और बिना साफ सफाई दिए अगर उस पर काम हो तो शायद आने वाले वक्त में और बच्चे बच सकते हैं।